बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। पिछले वीक में जिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमारा जो बेंचमार्क था 10.5 ट्रिलियन वो अचीव हो गया था, और इस वीक में भी देखें तो इंक्रीज हुआ है। तकरीबन 36 बिलियन जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसके साथ ही जो है इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टैंड कर रहा है वो तकरीबन 10,630 बिलियन रुपीस पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि जैसे मैं ये वीकली रैपअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीकली भी मैंने टेक्निकल लिया हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने आपको दो सीपीआर दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये रेड कलर में जो है सीपीआर, ये डेली सीपीआर है जो श्रिंक हो रहा है, और ये जो है ये थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है वीकली जो है ना, अब एक्सपेंड होना शुरू हो गया, फासला ज्यादा बढ़ गया। ये ब्लू कलर के जो डॉटेड लाइंस है ये वीकली सीपीआर है। तो इसको देखते हुए मतलब डेली पे तो वॉलिटिलिटी नजर आ रही है, वीकली पे इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं आपको बता दूं टेक्निकली सीपीआर जब ज्यादा एक्सपेंड होने लगता है, बढ़ता है, तो मतलब समझे कभी साइडवेज चली जाएगी। वीकली बेसिस पे वॉलिटिलिटी शायद इतनी नजर ना आए, अभी तो यहां तक नजर आ रही है वीकली पे 84,780 के अराउंड, ये इसका सीपीआर का अपर बैंड है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है इंडेक्स, तो फिर मजीद हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं। तो लेकिन हम अभी जो इसका डेली का सीपीआर है वो तकरीबन 81,765 का है, अभी उसको भी रीटेस्ट नहीं किया है, यहीं पर ही जो है इसने यार रिजेक्शन के साथ रेजिस्ट किया है 80,783 के अराउंड, यहाँ वीक बनी है। तो अभी इसका लोअर बैंड है, इस यहाँ पे सपोर्ट जो है इंडेक्स लेता जो नजर आ रहा है, यहाँ पे जो इंडेक्स की सपोर्ट थी, अभी वीक ऑन वीक बेसिस से बात करें तो 78,611 का लो इसने इस पूरे वीक में किया था, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसी के साथ डोजी फॉर्म हुए और कम वॉल्यूम के साथ लास्ट वीक तकरीबन सेम वॉल्यूम ही हो गया। लास्ट वीक में जो है 1.076 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में जो है 1.051 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्रीज देखा है। ये देखें ना आप, मतलब डोजी फॉर्म हुआ है, सेलिंग भी आई इतने की, लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्जेंस आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 36 बिलियन से इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे छोटी सी मिसाल यहाँ पे दे दूँ, थोड़ा सा पीछे जाए ये देखें 4 दिसंबर, फिर इसके बाद 11 दिसंबर, यहाँ पे 18 दिसंबर, ये अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये बुलिश यहाँ पे, फिर ये कि काफी समझे ये यहाँ, बल्कि इसको ले लें, यहाँ से चला था 46,320 से लेके, और फिर ये 66,150 के अराउंड समझ लें यहाँ पे जो है मार्केट ने हाई किया था, और यहाँ पे फिर एक ही डोजी बना था, ठीक है। इसी तरह का सेम देखें डोजी है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये इवनिंग स्टार भी हम कह सकते हैं इसको, और डोजी की जो फॉर्म नजर आ रही है वो हैमर पे है, ठीक है, इसको भी हम हैमर कंसीडर कर सकते हैं, ये एक हैमर डोजी हुआ था। तो यहाँ पे देखें इसकी जिसकी जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 66,150 के अराउंड थी, और इसकी भी क्लोजिंग तकरीबन 66,130 पे अराउंड, मतलब ज्यादा फर्क नहीं था। मकसद कहने का ये कि इसके बाद जो है फिर इसकी नेगेशन या फिर कंफर्मेशन, ठीक है, वो हम देखते हैं कि क्या होता। अगर देखें ना इसकी कंफर्मेशन अगर मिलती एक बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर मजीद हम इस पर अपसाइड देख सकते थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे इसने इसको नेगेट किया, ठीक है, ये इस बुलिश कैंडल को पहले डोजी फॉर्म और डोजी इंडिसाइसिव हो गया, तो इसको हम नहीं जो है अभी काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे फिर हम इस कैंडल को, इसने एंगल भी किया और जो है निगेशन हुई इसकी यहाँ पे बुलिश की, लेकिन अगेन फिर वही समझे यहाँ जैसे हैमर डोजी बना, या फिर हमें डोजी बना, हैमर डोजी बना, ठीक है, इसकी फिर ये कंफर्मेशन यहाँ से हुई इसकी, फिर हैमर डोजी बना। देखिए ये वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीक पे अगर ये ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो यही सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में आने वाले दिनों में, या जो यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना, अप डाउन डोजीज बन रहे हैं, फिर एक बेरिश कैंडल बन रही है, फिर एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे मतलब एक समझे रोलर कोस्टर की तरह, अगर डेली बेसिस पे देखें तो रोलर कोस्टर की तरह ही मार्केट परफॉर्म कर सकती है, या फिर ये एकदम साइडवेज हो सकती है ऊपर की तरफ।
मेरा तो ये है, जो ऑब्जर्वेशन है कि वॉलेटिलिटी ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वॉलेटिलिटी, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी में ज्यादा प्रिफर करता हूँ कि वॉलेटिलिटी में जो है हम आगे से चांस देख सकते हैं कि भाई ठीक है यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे बाइंग भी आती है करेक्शन में। अब साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज बिल्कुल इनडिसाइसिव डोजेस बनना शुरू हो जाते हैं, फिर एक वक्त तो ऐसा आता है मार्केट एकदम नीचे नोज डाउन भी आ सकती है। तो यहाँ पे तकरीबन समझे ऐसा होता है कि मार्केट डिस्काउंटेड होती है तो नीचे बाय आती है, फिर ऊपर से अगर वही प्रॉफिट टेकिंग हम फिर हम विटनेस करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर है अगर ऐसा रहता है, ठीक है ना। अब मैं मिसाल दूं, जैसे ये अभी फिर डोजी बना, फिर बेरिश कैंडल बनी, फिर ये डोजी बनते हुए नीचे इसकी निगेशन हुई बेरिश कैंडल की, फिर ये देखिए यहाँ पे फिर डोजी बना हल्का सा, फिर यहाँ पे हमने हल्का सा एक डोजी समझ लें, फुल कैंडल तो नहीं है। तो ये इस तरह करते करते ये हो सकता है कि ये आगे तक ये 84,800, जिस तरह में 84,780 एक तरह से है, तो आप राउंड फिगर में 84,700 या 84,800 प्लस माइनस 2,300 तक, 300-200 ये अपना इसका डिफरेंस रहता है। अच्छा अब आ जाए डेली पे, तो डेली का जो सीपीआर इस वक्त जो है 80,765 है, जिससे मैंने पहले बोला कि अब इसको रीटेस्ट नहीं किया है, तो ये आने वाले दिनों में इसको रीटेस्ट कर सकता है इंडेक्स को, कि ये एक्सपोज हुआ हुआ है। और वीकली पे जो है वो 84,800-900 ये सब जो है एक्सपोज हुआ हुआ है, 85,000 भी कह सकते हैं, ये एक्सपोज हुआ हुआ है। अच्छा अब आ जाते हैं हम, पहले डेली पे हम देख लें। डेली पे इसका जो मिडिल बैंड है 79,100 के अराउंड, ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है। और जो सीपीआर का जो लोअर बैंड है 76,800 के अराउंड, ये इसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। और फिर वीकली का फिर सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये वीकली का जो है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन काफी दूर है, 73,753 के अराउंड है। लेकिन अगर इसको ये एक समझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, अगर ये बन जाता है डेली बेसिस पे, तो फिर ये एक्सपोज हो जाएगा 73,750 समझ लें, ये वाला लेवल ये एक्सपोज है। तो इसको भी आने वाले दिनों में रिटेस्ट कर सकता है, अगर ये इसको रिटेस्ट करके ऑनर करता है तो फिर अगेन ये यहाँ पे ये रिजिस्ट करेगा, फिर ये आगे अपसाइड पे इंडेक्स जा सकता है। लेकिन मेरा ये है कि अभी ऑब्जर्वेशन के ये अभी मजीद मकसद जो है ये मार्केट जो मजीद अपसाइड जा सकती है, क्योंकि जो बेंचमार्क है वो धीरे धीरे अचीव होते जा रहे हैं। अभी देखें ना 10,630 है, अगला जो बेंचमार्क है वो 11,000, ठीक है ना। तो 11,000 बिलियन रुपीज का जो है वो टारगेट है, तो हो सकता है आने वाले दिनों, जिस तरह अभी आईएमएफ की खबरें सुन रहे हैं कि भाई डॉलर और आए हुए, हो सकता है मजीद और इन्वेस्टमेंट भी है, जिस तरह फॉरेन कॉर्पोरेट का हम देखते हैं पीपीलीपी डेटा में, तो फॉरेन कॉर्पोरेट ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीएसएक्स में, तो इसलिए मार्केट हम इसमें मजीद अपसाइड ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, और डाइवर्जेंस भी आ रहा है, ठीक है, ये डाइवर्जेंस भी देखें, लेकिन इसके बावजूद मार्केट जो है ऊपर की तरह जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा आरएसआई पे डाइवर्जेंस भी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको समझा दूं, ये वाला ये देखे ना, ये ऊपर की तरफ है, ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, और इसी के अगेंस्ट में आरएसआई पे नीचे की तरफ आ रही है, ये देखिए ये तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जैसे ही अगर फॉरेन कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट कम शो हुआ, सेलिंग अगर हमको नजर आई, प्रॉफिट टेकिंग स्पेशली बता रहा हूँ, जो है जो ऑब्जर्व कर रहा है ब्रोकरेज हाउसेस की जो सेलिंग है और म्यूचुअल फंड की जो तरफ से सेलिंग आती है, वो फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर वो एब्जॉर्प्शन बंद हो जाती है और सेलिंग फिर फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से भी हो जाएगी, तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया 73,750, और इवन अगर ये एक हार्ड नट टू क्रैक बन जाता है तो फिर ये 66,400 ये एक्सपोज हो जाएगा वीकली का लोअर बैंड। अच्छा वीकली याद रखें बड़ा काफी लॉन्ग टाइम होता है, तो ये नहीं कि फौरन आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे वापिस यहाँ पे के सस्टेन करता रहे, यहाँ पे आ जाए 71,600, ये सारे अभी मैं आपको कैंडल के हिसाब से बता दो, प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। फिर ये सपोर्ट लेवल है 60,600 का, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका, ये इसकी नेक लाइन ले लेते हैं, ये इसी की नेक लाइन, तो ये 66,000 पे आ रही है, ये नेक लाइन इसकी ले लेते हैं 68,000, तो ये सपोर्ट लेवल अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं 69,800, ठीक है 70,600। तो ये फिर ये इस तरह करेक्ट करती हुई मार्केट हो सकता है नीचे आए,
लेकिन अभी तो फिलहाल हम मार्केट को अपसाइड ही देख रहे हैं इस वक्त फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी है। अगर कंपनीज का प्रॉफिट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, पे आउट अच्छा मिलता है, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से हम अपसाइड देख सकते हैं। 100 इंडेक्स के अगर स्पेशली स्टॉक होते हैं तो उनका वेटेज ज्यादा होता है, तो फिर आप देखें तो मार्केट ये जो जो समझे जैसे ओजीडीसी है, एंग्रो है, ये सब इनके वेटेज होते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये मार्केट अब मजीद अपसाइड पे परफॉर्म कर सकती है। तो अगर हम इसको हम थोड़ा डेली पे, मैंने वीकली में आपको बता दिया कि डाइवर्जेंस भी आ रहा है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। अच्छा, अब इसमें जो है हम डेली की तरफ देख लेते, थोड़ा नजर आज अब डेली में ही हुआ है। देखें यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन ही जो है हम अच्छी खासी हमने यहाँ पे करेक्शन देखी, ठीक है ना। मार्केट जो है तकरीबन ड्यूरिंग द डे जो है उसने 78,611 का लो भी किया, लेकिन मार्केट की जो सपोर्ट थी डेली पे, जैसे मिडिल बैंड जो है 79,100 के राउंड, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही थी, इसको भी ब्रेक के नीचे गए, लेकिन एक विक बनी, यहाँ से जो है बायर एक्टिवेट हुए मार्केट को पुश करके, अगेन 79,000 80,000 के करीब मार्केट यहाँ पे अगेन उन्होंने यहाँ पे लिए। अच्छा, यहाँ पे भी देखें डेली पे कि हैमर डोजी फॉर्म हुआ है, तो या इसको हम ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं, थोड़ी सी विक बड़ी है तो सपोज कर सकते हैं जैसे, ठीक है ना। अब इसकी भी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वीकली में आपको बताया था, डेली में भी जैसे यहाँ पे ये 7 जून को जो है यहाँ पे एक ये, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी फ्राइडे ही था आई थिंक, बहरहाल डेट मैं आपको बता देता हूँ, ये 7 जून को जो है यहाँ पे ये डोजी फॉर्म हुआ था। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था ये हैमर डोजी या स्पेशली ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बनता है ना, तो उसमें ये होता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन में जो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अपने आप को फिर यहाँ से एकदम बुलिश कैंडल ना बने, फिर करेक्ट करे, करेक्ट करके ऊपर जाएगी तो मार्केट अच्छी ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है जो बायर होते हैं और मार्केट अपसाइड जा रही होती है तो फिर ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, और बाद मैंने इसको ये भी देखा है कि इसको भी ब्रेक कर जाता है ये, जैसे ये अभी इसने लो किया था 7 जून को, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लो था इसका 71,881 के दौरान दरमियान यहाँ पे ये, बल्कि इसी को ले लेंगे 71,838 पे ही था सपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी, मैं इसको थोड़ा सा ये लाइन लाइन बना दूं, इसकी इसकी लाइन बना दूं आपको और ग्रीन कलर दे दूं, ठीक है ना, ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी, ये गैप था इसको फिल किया, ठीक है, 71,900 के अराउंड इसको फिल किया और ये मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाई इसने, ठीक है। अभी यहाँ कोई गैप नहीं था तो उसने ये डोजी तो बनाया है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे जैसे यहाँ पे करेक्ट की थी, करेक्ट किया था मार्केट ने आपके अपने आप को, ये वाला लेवल जो था एक्चुअली ये यहाँ पे, ये मार्केट ने फिर अगेन अपना यहाँ इस तरफ जो है ये तकरीबन सब दिन राउंड अबाउट 72,500 72,400 ये इसने यहाँ पे अपने आप को रिटेस्ट किया पे और उसको ऑनर किया, मार्केट ने मजीद अपसाइड मूवमेंट दिखाई अच्छी खासी। तो इसका भी मैं ये समझता हूँ कि करेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा है, फौरन एकदम मार्केट अपसाइड आ जाए, वरना तो फिर ये इसको भी ब्रेक कर जाएगा, ये वाला लेवल जो इसने रीटेस्ट किया था 78,600 के अराउंड, ये फिर इसको ब्रेक कर जाएगा, ब्रीच करने के बाद फिर हो सकता है इसको भी ब्रीच कर जाए 76,800 को, और फिर हम समवेयर मतलब ये इसकी जो हो सकता है कि यहाँ पे हम सपोर्ट बनती हुई देखें, प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लेते हैं, और नेकलाइन सपोर्ट भी यही है तकरीबन, ठीक है, 76,200 के अराउंड फिर मार्केट अब जो है रिटेस्ट कर सकती है। तो इसी को देखते भी फिलहाल अपनी मार्केट की स्ट्रेटेजी को प्लान करें, वो स्ट्रेटेजी यही है बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ तो आप करेक्ट करेगी, ठीक है, और फिर यहाँ इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग आएगी, जैसे मैं आपको बता दूं इसका ये डोजी का ही ले लेते हैं, और 73,800 था, 73,800 के बाद जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, फिर ये मजीद मार्केट अपसाइड जाती रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करे, इवन ये वापिस इस तरफ आए 69,000 की तरफ, या बल्कि इसके हम नेकलाइन सपोर्ट ले लेते हैं इस कैंडल की, ये वाली कैंडल की नेकलाइन ले लेते हैं, ठीक है, 69,500 79,000 सॉरी 69,000 करो 79,500 के अराउंड में मार्केट आ सकती है,
और मुझे मेरे हिसाब से आना भी चाहिए, इवन अगर ये इसको भी रिटेस्ट करता है वापिस दोबारा लेवल को, क्योंकि इतनी बड़ी विग नहीं बनी थी, तो ये डबल जो है बॉटम भी बन सकता है डेली पे, जिसको हम ट्विजर बॉटम कह सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि ट्विजर बॉटम में ये स्पेशली 80,100 के वो मार्केट क्लोज होती है बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर हम इसमें अच्छी खासी रैली बनते हुए देख सकते हैं। फिर ये इसको 84,700 को भी रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि ट्विजर बॉटम ही ट्विजर टॉप ऐसा होता है कि अगर ट्विजर टॉप बनता है इसी का उलट ऊपर ट्विजर टॉप बनता है, तो ये बुलिश सॉरी बेरिश सिग्नल होता है, तो उसकी कंफर्मेशन या निगेशन जरूरी होती है। कंफर्मेशन किसी बेरिश कैंडल के साथ होती है तो ये फिर काफी नीचे आता है स्टॉक। इसी तरह इसमें भी अगर कोई डबल बॉटम बनता है ट्विजर बॉटम जिसे हम कहते हैं, और इसकी कंफर्मेशन किसी बुलिश कैंडल के साथ सॉरी निगेशन किसी बुलिश कैंडल के साथ मिलती है, तो यह अच्छी खासी रैली यहाँ से बनाता है फिर। लेकिन अगर इसकी कंफर्मेशन मिलती है किसी बेरिश कैंडल के साथ, तो फिर ये मजीद नीचे आ सकता है। तो इसी को देखते हुए अपनी इस ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट का देखें इंतजार करें। और मैंने अगेन व्हाट्सएप पे दिया हुआ है जो अच्छे स्टॉक है जिनकी जिनका पी रेशियो कम है और जो है यील्ड ज्यादा है उनकी, डिविडेंड यील्ड, उन पे आप फोकस करें। स्पेशली जिसमें मैंने पावर सेक्टर को बताया कि पावर सेक्टर अच्छा है, ऑटो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कैपिटल गेन जो है इसमें वॉलेटिलिटी की वजह से, सेमिंग सेक्टर है इसमें अच्छा कैपिटल गेन भी मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है आपको, लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से जो है इतने कोई पी रेशियो भी इनकी काफी ज्यादा है काफी सेमिंग सेक्टर, क्योंकि प्राइस काफी हाई हो गई है। तो इसमें फोकस करें आप, फर्टिलाइजर सेक्टर को फोकस कर सकते हैं, ये अच्छा है इसमें। अभी जैसे FFBL है, अगर ये अच्छा डिविडेंड देता है तो फिर ये इसमें अपसाइड जो है इसमें हम आगे मजीद देख सकते हैं। FFBL में भी इसको आप देख सकते हैं, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, और स्टील सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं उसको आप देख सकते हैं, जैसे मोगल है, ISL है, IINL है, ये देख सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।